हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एक क्लीन नीट आर्मपिट शेविंग और वैक्सिंग कैसे करें। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मेरे व्यूवर्स ने पूछा है। वो ये है कि जब भी वो शेव करते हैं तो उनकी नीट एंड क्लीन शेव नहीं आती है और उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, हमारे ना आर्मपिट के जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने के टू वेज हैं, जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये मेरी है, मेरी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी स्टार्टिंग से ही कम थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे जैसे मैं वैक्स करने लगी वैसे वैसे मेरी ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम होने लग गई। अब जो है वो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और नियर अबाउट मुझे 6 मंथ हो गए हैं मैंने आर्मपिट की वैक्स नहीं की है। 6 मंथ हेयर्स हैं और काफ़ी कम है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि हेयर्स तो हैं, ये देखिए, लेकिन काफ़ी हद तक कम है। तो नीट एंड क्लीन कैसे करनी है, उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेव की। ज़्यादातर मैक्सिमम पीपल्स जो लेडीज़ होती हैं वो शेव करती हैं रेजर की हेल्प से, ये वुमेन रेजर्स भी आती हैं उसकी हेल्प से शेव करती हैं। इससे क्या होगा, जब आप शेव क्या करता है, आपके सिर्फ ऊपर ऊपर के बालों को निकालता है, सिर्फ ऊपर से हेयर्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से न्यू ग्रोथ जनरेट होने लग जाती है, आने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल माइनर माइनर से हेयर्स जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं और कम से 4 से 5 दिनों में वो जो है वो काफ़ी अच्छे बड़े हेयर्स हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है। तो उनकी प्रॉपर नीट एंड क्लीन जो है वो नहीं हो पाती, जो उनकी शेविंग है, ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हम वैक्स शेव की जगह मैं वैक्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, शेव की जगह मैं वैक्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम वैक्स से हेयर्स रिमूव करते हैं ना तो वो अच्छे से रिमूव होते हैं। एक बार वैक्स करने के बाद आपको नियर अबाउट 20 to 25 days जो है ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो ना थोड़े रूट से टूटते हैं हेयर्स, ठीक है, रूट से ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो काफ़ी डेज तक नहीं हो पाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसी वजह से मैं वैक्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ शेव के कंपैरिजन में। थर्ड थिंग ये है कि जब भी हम वैक्स करते हैं, मान लो शेव नहीं कि हम वैक्स भी कर रहे हैं, फिर भी प्रॉपरली वैक्स या नहीं हो पाती है, ये ग्रोथ रह जाती है या हेयर्स रह जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाफ ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में होती है एंड हाफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो उनको अलग अलग वे में जो है उनके हेयर्स को निकालना पड़ता है। जैसे कि हमारी अगर ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको वैक्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगानी है, और जिनको रिमूव करेंगे तो ऑपोजिट रिमूव करना पड़ता है। तो लेकिन जिनकी अप और डाउन दोनों साइड होती है तो हाफ हाफ करके उनके हेयर्स को रिमूव करना पड़ता है। अप वाले हेयर को अप साइड वैक्स लगा के रिमूव करना पड़ता है, डाउन वाले हेयर को डाउन साइड वैक्स लगा के रिमूव करना पड़ता है, जिससे उनकी अच्छे से वैक्स हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी आर्मपिट में डिग आती है, जैसे कि मेरी में कोई डिग नहीं है, बिल्कुल क्लीन है ना, यानी कि कहीं कोई इनके ना यहाँ पे इस तरह से ना एक डिग आ जाती है, इस तरह की आर्मपिट होती है, यहाँ से एक डिग आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिग में प्रॉपरली जो हमारी वैक्स स्ट्रिप है जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं लग पाती है, और जिसकी वजह से कुछ हेयर्स रह जाते हैं या उनको 3 से 4 बार लगाना पड़ता है फिर वो रिमूव होते हैं। कभी कभी तो बहुत टाइम आपको लगाना पड़ता है, यानी कि 4 से 5 बार आप लगाओगे तब जाके वो रिमूव होते हैं, थोड़े थोड़े हेयर करके आपको रिमूव करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ टिप्स, जब भी आप वैक्स करें मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले काम जो है आपने अपने अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन करना है साफ पानी के साथ, पानी के साथ क्लीन करके उसे अच्छे से टॉवल से क्लीन कर लें, साफ कर लें। क्लीन करने के बाद आपने पाउडर पफ का यूज़ करके, यानी कि पाउडर है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली अपने हैंड से भी इस तरह से पाउडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पाउडर क्या करेगा, जितनी भी स्वेट है उसे रिमूव कर देगा,
यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी जितनी भी स्वेटिंग आई है उसको जो है आपकी जो हेयर्स है, ग्रोथ है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब देखिए स्वेटिंग से क्या होता है, मॉइस्चर, स्वेट क्या है, एक मॉइस्चर है। अगर आप उस पर वैक्स लगाओगे तो जो हेयर्स हैं वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएंगे, और वो जो हमारी स्ट्रिप है उसके साथ भी अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएंगे, और उस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि उस मॉइस्चर की वजह से आपकी जो प्रॉपर नीट एंड क्लीन जो वैक्सिंग है वो नहीं हो पाती है। तो आपको सबसे पहले पानी से साफ करना है, फिर उसे टॉवल से साफ करना है, टॉवल से अच्छे से उसे जब वो ड्राई हो जाए फिर आपने पाउडर का यूज़ करना है ज़रूर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यूज़ करना है अपना वैक्स। ये है मेरे पास वैक्स, वैक्स जब हम लेंगे, मैंने यहाँ वुडन की स्टिक यूज़ की है, आप चाहें तो स्पैचुला या जो भी जिस भी चीज़ से आप लगा रहे हैं आप वो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए वुडन की स्टिक यूज़ की है। अब ये मेरी जो है वैक्स वो गर्म हो चुकी है, हीटअप है ऑलरेडी। अब इसको जब मैं अप्लाई करूँगी तो किस तरह से अप्लाई करूँगी, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये वैक्स ली है, इतनी वैक्स जो है वो सफिशिएंट है, आप देख रहे हैं ये वैक्स जो है वो सफिशिएंट है। अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ, मेरे हेयर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर डायरेक्शन में है, इसी वजह से मैं इसे अपवर डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे अपवर डायरेक्शन में अप्लाई किया है, थोड़ी सी और हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे अपवर डायरेक्शन में अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरे सारे हेयर्स की जो डायरेक्शन है वो अप है, इसी वजह से मैं इसे अपवर डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने ले लिया अपनी वैक्स स्ट्रिप, जिस साइड होल है उस साइड को यूज़ करना है। अब हमने वैक्स स्ट्रिप को किस तरह, अपवर डायरेक्शन में है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक अच्छी जो वैक्स पाने के लिए, अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको स्ट्रेच अच्छे से करना है। आप जितना अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अच्छे से स्ट्रेच कीजिए एंड देन अपनी वैक्स स्ट्रिप को लगाएं। स्ट्रेच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आपका स्ट्रेच लूज होगा, मान लीजिए मैं ऐसे करके रिमूव करती हूँ, तो आपको दो प्रॉब्लम्स आएंगी, एक तो आपके हेयर्स अच्छे से नहीं निकलेंगे, दूसरा आपकी स्किन जो है वो काफ़ी खिंचती है जिसकी वजह से लूज भी हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है, इस तरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं, इसको अच्छे से रब करना है, रब करने के बाद इसे ऑपोजिट, ऊपर की तरफ हमने वैक्स लगाई थी, जो हम रिमूव करेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, इस तरह से, कैसे करेंगे ऑपोजिट, इस तरह से लाइक दिस। और आप देख रहे हैं ये कितने सारे हेयर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, लुक एट दिस। तो ये हेयर्स जो दिखाई नहीं दे रहे थे, ये हेयर्स वो हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हैं ये, है ना। तो सेम जो है हमें इसी तरह से जो है अपने सारे हेयर्स को रिमूव कर लेना है। और अब मेरी जो आर्मपिट है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये फर्क होता है एक बार में सारे हेयर्स को रिमूव करने का। तो इस तरह से आप जो है वो अच्छे से इन्हें रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से आप यानी एक नीट एंड क्लीन अगर आपको रिमूवल चाहिए है तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे से प्रॉपरली शेप मिलती है। और इसी तरह से हम देखिए इसमें भी काफ़ी हेयर्स हैं जो कि आपको शायद आपको दिखाई ना दे रहे हैं, लेकिन हेयर्स काफ़ी हैं, लेकिन इसी तरह से आपको ये करना है। और ऐसी बात नहीं है मेरी ग्रोथ थोड़ी कम है, जिसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उनको इसी तरह से ही फॉलो करना पड़ता है, और जो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है उनको थोड़े थोड़े सेक्शन लेके भी वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अच्छी जो है क्लीनअप के लिए, एक प्रॉपर नीट क्लीनअप के लिए आपको ये सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।